गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। आज मैं आपके लिए कुछ लेकर आया हूँ। जो लोग अपने बाइक का साउंड थोड़ा सा लाउड करते हैं, मैंने भी किया हुआ है, स्लिप ऑन लगाया है KTM में। सबसे अच्छा स्लिप ऑन के ही साउंड मेरे को लगी है अभी तक, बाकी डायरेक्ट वाले के साउंड ज़्यादा लाउड हो जाती है। तो अगर आप डायरेक्ट भी यूज़ करते हो तो मैं आपके लिए कुछ लेकर आया हूँ जिससे आपका साउंड स्मूथ हो सके। ये आपका स्लिप ऑन पे लगता है, जिसे हम लोग कहते हैं DB किलर कैटालिटिक कन्वर्टर। अमेज़ॉन पे आपको मिल जाएगा, सब जगह मिल जाएगा, मोस्ट ऑफ द ऑनलाइन साइट्स आपको ये मिल जाएगा। इसकी प्राइस 900 पड़ी मेरे को। मैंने इसको अभी आज ही डिलीवर हुआ है, थोड़े दिन पहले ऑर्डर किया था। इसको हम लगाएंगे इसके अंदर, जो कि मैं आपको बताऊंगा कि ये लगेगा कैसे, और शुरू की और बाद की साउंड भी सुनाता हूँ कि इसको लगाने से पहले कैसा साउंड था और लगाने के बाद कैसा साउंड है। ये कायदे में जो है इसमें लगता है, ऐसे इंसर्ट होता है, इसके और इसके बीच में ये जो है आपका सैंडविच हो जाता है, जिससे ये रुका रहता है वहाँ पे। मैं वाली वीडियो नहीं बनाने दे रही। ये आपका लगता है स्लिप ऑन में, इस जगह पे लगता है, ऐसे करके इंसर्ट होता है। जो आपका ये वाला पाइप होता है थोड़ा सा ब्रॉड, जो इसके अंदर फिट आता है, इसके और इसके बीच में ये सैंडविच हो जाता है, जिसकी वजह से ये हिलता नहीं है। स्प्रिंग इसको होल्ड करके रखते हैं। इसका मैं आपको साउंड सुनाता हूँ पहले कैसा है, मतलब इसको लगाने से पहले इसका साउंड कैसा है और इसको लगाने के बाद इसमें थोड़ा सा क्या चेंजेस आते हैं। मैंने ऑनलाइन भी सर्च किया, मेरे को ज़्यादा वीडियोस नहीं मिली इसको लगाए हुए, तो फॉर इंफॉर्मेशन ये मैं डाल रहा हूँ आज। आप लोग सुनो कैसी लगती है इसकी साउंड, अगर सही लगता है तो ऑर्डर करो, क्योंकि मैं थोड़ा सा कम लाउड प्रिफर करता हूँ, ज़्यादा लाउड हो जाता है कभी कभी जब ये शहर में चलाओ तो। आइए मैं आपको इसका सिखाता हूँ इससे पहले वाला साउंड, कि इसको लगाने से पहले इसका आइडल साउंड कैसा है। न्यूट्रल है, हाँ है न्यूट्रल। ये है इसका साउंड पहले का। अभी इसमें डीबी कलर नहीं लगा है, जहाँ तक मेरे को लग रहा है कि इसका साउंड अच्छा ही निकलेगा। अब देखते हैं कैसा लगता है इसका साउंड। मैं इसको लगाता हूँ, आपको लगाते में भी दिखाता हूँ कि कैसा लगेगा लगाते में। मौली बहुत ध्यान से सुन रही है, तो फर्क है। आइए दिखाता हूँ। तो मेरी वाली में जो आपको लगेगा, मतलब मोस्ट ऑफ द बाइक्स में आपको इसी तरह से लगेगा। ये वाला बोर्ड आपको खोलना होगा, जो कि आपको इसको हैंग करता है। मैंने ऑलरेडी इसको लूज़ कर लिया है, अभी हटाया नहीं है। इसे हम नहीं खोलेंगे, इसको खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और स्प्रिंग्स हटाने हैं, ये थोड़े टाइट होते हैं, खींचने में मुश्किल देते हैं, तो मैं इसके लिए ये वायर यूज़ करूँगा। इसमें फंसा के इसे खींचूँगा, हल्का सा लूज़ कर लूँगा, निकलाएगा। दिखाता हूँ मैं आपको इसके आगे का। जैसे मैंने बताया था, वायर को यूज़ करिए, वायर को यूज़ करके आपको बहुत आसानी हो जाएगी इसको निकालने में। बस इसको बाहर खींचना है, दोनों हाथ से हल्के से छोड़ देना है, निकल जाएंगे। ये चोट भी मार देते हैं, इसलिए इनके साथ बहुत ज़्यादा ध्यान से इग्नोर कर देना। बाइक थोड़ी सी गंदी है, वैसे रहती साफ़ है, आज गंदी है। सो अंदर की साइड में जो आपको एक छोटा सा ग्रूव ऐसा दिख रहा है, ये इसमें लगेगा। फोकस करता हूँ, ये आपका इसमें लगेगा, जो ये ग्रूव आपको दिख रहा है, बस इसमें इसको रख देना है और ये हो जाएगा। दिखाता हूँ मैं कैसे। ये आपका ऐसे है, ये विंग बाहर रहेगा, इसको बस आपको इसके अंदर रख देना है और ये हो गया है। अब बस इसको वापस से उसमें फिट कर देना है। सो ये वाली चीज़ है, अब इसमें लगाना तो आपको पता ही है कैसे लगेगा। ये बस इसके अंदर आपको रखना है ऐसे, और वो अंदर सील हो गया है। स्प्रिंग्स आपको लॉक कर देने हैं ताकि इसको पकड़ा रहे। याला बोर्ड फाइनल वाला लगा देना है, जैसे रुका रहे। हाथ भी गंदा हो गया कहीं से, अच्छा यहाँ से हो रहा है गंदा, कोई बात नहीं, साफ़ हो जाएगा। याला बोर्ड सिक्योर करेंगे, स्प्रिंग सिक्योर करेंगे, फिर आपको साउंड सुना दूँगा कि क्या फ़र्क आया। सो एवरीथिंग इज़ सिक्योर नाउ। मैंने दोनों स्प्रिंग्स लगा दिए हैं। तारा थोड़ा सा मोटा यूज़ कर लेना नेक्स्ट टाइम, क्योंकि देखो ये आपके चोट मार सकता था अगर निकल जाता तो, लेकिन मेरा काम हो गया है, उसकी ज़रूरत नहीं है। ये मैंने टाइट कर दिया है, इसको भूल मत जाना, कभी भी निकल सकता है ये या नीचे की तरफ घूम जाएगा। अब मैं इसके साउंड आता हूँ आपको साउंड। साउंड पे कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा है, बस थोड़ा सा स्मूथ हो गया है साउंड, मेरे को सामने से लग रहा है।
हो सकता है माइक में कैच ना कर पा रहा वो स्मूथनेस, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली कि अब तो ये पटाखे तो नहीं बजाती करना। देखिए वो अंदर लगा हुआ है, सही जगह है, कोई हिल नहीं रहा है, बिल्कुल भी सिक्योर्ड है।